तो बच्चों अपने को आज क्या पढ़ना सर कूलम्स लॉ चल रहा था। कूलम्स लॉ चल रहा था है ना, ने किए थे। यस सर। उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, कूलम्स लॉ की एक वेक्टर फॉर्म भी होती है ना, जो कि कई जगह आपको बुक्स में देखने को मिलेगी। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, हालांकि ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जो है वो मेनली हमारे लिए एटलीस्ट क्या है, थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस की ही ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में तो बहुत ज्यादा यूज इसका नहीं आता है। देखिए क्या, ठीक है, ये कहते हैं सर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 और ये वाला जो वेक्टर है कौन सा Q1 से Q2 की तरफ, ये वेक्टर, इस वेक्टर को क्या कहेंगे, इस वेक्टर को कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, R21 वेक्टर। हेड एट टू, टेल एट वन। जो पहले लिखा हुआ है वो हेड है, जो बाद में लिखा हुआ है वो टेल। और इसको कैसे रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू। फिर एक वेक्टर ये होता, ये बात इसमें हेड कहाँ पे है बेटे, वन वन पे, टेल है टू पे। तो इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू, R12 वेक्टर जो हमने लिखा है उसमें क्या है, हेड एट वन टेल एट, उसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू। और देखो इसकी वैल्यू बराबर होगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इधर वाले की वैल्यू बराबर होगी R2 वेक्टर माइनस R1। R12 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। R21 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर,
r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूं या r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों ही बराबर हैं r के. r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन q1 एंड अब अगर मान लो मुझे लिखना है F12 वेक्टर, F12 को मैं क्या बोल रहा हूं? F12 को मैं बोल रहा हूं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q1 पर Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स. तो इस फोर्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² इंटू R12 कैप. R12 कैप क्या हो जाएगा? R12 वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर. इस वेक्टर को नाम क्या देंगे? R12 कैप. और उसी तरह से एक वेक्टर हम लिख सकते हैं ये वाला वेक्टर, उसको क्या नाम देंगे? R21 क्या? R21 वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है ना. R12 कैप को क्या कहेंगे बच्चों? R12 कैप है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R12. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R12. और इसका अगर आपको लिखना है कि कैसे इसका मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब कैसे इसको लिखेंगे, तो बस आपको क्या करना है, R12 वेक्टर को R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो R12 कैप आ जाता है. और R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सिंपली R है जो इनके बीच की डिस्टेंस. अब देखो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, इसी को कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स. यही है वेक्टर फॉर्म. इस वाले एक्सप्रेशन में Q1 और Q2 को विद साइन पुट करना होगा. सब्स्टिट्यूट Q1 एंड Q2 विद साइन. अब देखो इससे क्या क्लियर हो गया, ये 1/4 pi epsilon naught तो पॉजिटिव है, R² भी पॉजिटिव है ना. देखो पहले तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड बता कर दो. क्या पूरे एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड वही आ रहा है 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R², क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया. तो मैग्नीट्यूड वाइज वही मिल रहा है जो हमें पहले मिला. अब इस एक्सप्रेशन से डायरेक्शन भी साइमल्टेनियसली पता कर चल जाती है. कैसे? ध्यान दो, F12 वेक्टर विल बी इन सेम डायरेक्शन एज R12 कैप. F12 वेक्टर विल बी इन सेम डायरेक्शन एज R12 कैप इफ Q1 multiplied by Q2 is greater than 0.
F12 वेक्टर की डायरेक्शन R12 कैप की डायरेक्शन में ही होगी अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हुआ तो, और F21 वेक्टर है ना, इसका मतलब क्या है, दैट मींस F इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाएं या दोनों नेगेटिव हो जाएं तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि F12 वेक्टर विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू R12 वेक्टर, R12 कैप, if Q1 multiplied by Q2 is less than zero, implies in inward direction. Q1 multiplied by Q2 less than zero कब आएगा बेटे, जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव। देखो R12 कैप की डायरेक्शन क्या है, R12 कैप की डायरेक्शन ऐसी है, यो लेफ्ट साइड की तरफ, तो क्या ये दोनों बातें मिलकर के सही चीज समझा रही हैं हमको, Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो हुआ तो जो F12 है, फोर्स ऑन चार्ज 1 है, वो लेफ्ट की तरफ ही आना चाहिए, बाहर की तरफ आना चाहिए, और अगर Q1 और Q2 लेस देन जीरो हो गया तो वो फोर्स R12 के अपोजिट आना चाहिए, R12 तो हमेशा बाहर ही होगा तो उसके अपोजिट क्या आ जाएगा, अंदर की तरफ फोर्स आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एक साथ, ठीक है बस, हाँ हमें ये ध्यान रखना है, याद रखने का क्या तरीका होगा इसका, यहाँ पर 1-2 आ रहा है, LHS में F12 लिख रहे हो तो RHS में भी R12 लिखना, बस इतना सा ही ध्यान रखना। हाँ बोलो बेटे, कुछ डाउट पूछ रहे थे, इसी तरह से अगर मुझे F21 वेक्टर लिखना हो तो F21 वेक्टर को मैं क्या लिखता हूं, 1/4πε0 Q1 Q2 by R square into R21 हाँ, मैं एक बार लास्ट पेज भी दिखा दूंगा तुमको, एक बार इसको भी तुम समझ लो क्या हमने लिखा है, F21 वेक्टर इज, F21 का मतलब क्या है, F21 का मतलब है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q2 पे फोर्स, और ये क्या है R21 कैप
R21 कैप बेसिकली क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय ठीक है, इस R21 कैप को कैसे पढ़ते हैं, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू, पिछला पेज देखना चाहते हैं कुछ लोग, देखो ये रहा, हाँ बेटा नोट कर लिया ये वाला पेज? यस सर। देखो हम चाहें तो ये जो R21 कैप है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके इसको थोड़ा और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, F21 वेक्टर कितना हो जाएगा, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R cube R21 vector, yeah? मैंने क्या किया, simply R21 cap की value substitute कर दी, क्या substitute कर दी R21 cap की value, R21 vector upon R, तो ये ऐसा ही आप F12 वेक्टर के साथ भी कर सकते थे, ठीक है, F12 वेक्टर क्या है, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square into R12 cap, तो इसको लिख सकते हैं Q1 Q2 by R cube into R12 ऐसा भी कर
देखो जैसे हाँ मान लो हमको कहा जाए कि भाई एक चार्ज है ठीक माइक्रो कूलम का, एक चार्ज है 2 माइक्रो, या एक चार्ज है 3 माइक्रो और एक है -9 माइक्रो और ये रखा हुआ है 1.1.2 पोजीशन पे और ये लेट्स से रखा हुआ है 3.2.0. तो मेरे को लिखना है कैलकुलेट द फोर्स -9 माइक्रो. तो हम क्या करें, इसको Q1 बोल देते हैं, इसको Q2. तो हमको क्या पता लगाना, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 / r² इंटू r21 या 1/4πε0 Q1 Q2 / r³ इंटू r21 पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 लिखना है विद रिस्पेक्ट टू 1. तो वो ऐसा वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू What is position vector of 2 with respect to 1? Position vector of 2 minus position vector of 1. 2 का position vector हो जाएगा 3i cap plus 2j cap plus 0 k cap. और position vector of 1 हो जाएगा i cap plus j cap plus 2k cap. 3i cap minus i cap हो जाएगा 2i cap. 2j cap minus j cap हो जाएगा -2k. ये पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू बना. अब r पता लगाना है तो वो इसी का मैग्नीट्यूड तो होगा, इट विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2² + 1² + 2². तो अंडर रूट 9, तो वो 3 आ जाए. ठीक है, अब हम क्या करें, ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इस वाले में पुट कर दें. तो 1/4πε0 को तो 9×10⁻⁹ लिख सकते हैं. Q1 तो -2² होगा ना ब्रैकेट के अंदर, किधर बटे 2² + 1² -2² क्योंकि -2 क्या है, k कहते हैं ना. हाँ तो -2 का स्क्वायर करोगे तो वो तो 4 ही आएगा. अच्छा सर, 2 का स्क्वायर करो या -2 का स्क्वायर करो, वो एक ही बात है. Q1 Q2 अभी इनको साइन के साथ पुट करना. Q1 को पुट करूंगा 3×10⁻⁶, Q2 को पुट करूंगा -9×10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई r21 वेक्टर. ये रहा r21, तो इसको लिख देंगे 2i cap + j cap - 2k cap डिवाइडेड बाय r³.
ये वाली फॉर्म, आर क्यूब कितना था, आर की वैल्यू आई थी 3, तो आर क्यूब हो जाएगा क्या 3 का, तो ये हो जाएगा कितना, 3 का क्यूब मतलब 27 आ जाएगा, तो यहाँ पर 27 से कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 12 और 10 की पावर 9, तो 10 की पावर माइनस 3 बचेगा, 10 की पावर माइनस 3 इंटू माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, तो माइनस साइन से चलो तो आप मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो कितना हो जाएगा बेटे माइनस 18 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 18 जे कैप इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन, ऐसा फाइनल आंसर इसका। आई होप ये समझ पा रहे हैं सब लोग। यस सर। अगले पेज पे चले भाई, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हालांकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये वाला जो मेथड है ये एक नियरली हमारे लिए कम से कम थियोरेटिकल टाइप का ही है, बहुत ही कम क्वेश्चन इस पर बनते हैं, एग्जाम में भी उतने ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन अगर कभी बिल्कुल कोऑर्डिनेट के टर्म्स में ही दे दें अपने को तो इस तरह से कर सकते। अब इसमें जो अगली पीछे कर रहा हूँ, थैंक यू। यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर किसी रीजन में एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट हैं से, ये चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, इस तरह के ये चार्जेस, और हमें इनमें से किसी भी एक चार्ज पर टोटल कूलम्ब फोर्स पता लगाना है। तो क्या होगा कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो बाकी चार्जेस की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होगा ना? कूलम्ब फोर्स बिटवीन
any pair of charges. Will remain unaffected by the presence of other charges. And the resultant electrostatic force on any charge is given by vector sum of forces exerted on that charge by all the other charges in that. जैसे मान लो आपको चार्ज नंबर थ्री पर फोर्स कैलकुलेट करना, फोर्स ऑन थ्री कैलकुलेट, तो क्या होगा? थ्री पर ये वन भी लगाएगा, थ्री पर टू भी लगाएगा, थ्री पर फोर भी लगाएगा, थ्री पर फाइव भी लगाएगा, थ्री पर सिक्स भी लगाएगा। इन सबको आप वेक्टर एडिशन कर दो तो आपको टोटल फोर्स पता चल जाएगा। और ये F31, F32, F34 क्या है? 3 और 3 ने 3 पे 1 ने कितना लगाया, 3 पे 2 ने कितना लगाया, 3 पे 4 कितने ने कितना लगाया, ये बाकी चार्जेस की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होगा। मतलब देखो, जैसे 1 और 3 के बीच में अगर आपको फोर्स लिखना है तो आप ऐसा बिल्कुल सोच सकते हो कि बाकी और कोई वहां पर प्रेजेंट है ही नहीं, आप तो सबको एब्सेंट मान के F31 लिख दो। वो बेसिकली कितना हो जाएगा? के Q3 Q1 डिवाइडेड बाय R31 का क्यूब इनटू R31 वेक्टर। ये लिखना है तो क्या कितना हो जाएगा? K Q3 Q2 डिवाइडेड बाय R32 का क्यूब इनटू R32। इस तरह से ये ये बात समझ में आती है बेटे? यस सर।
जैसे हमें ऐसे नहीं सोचना है कि साहब ये Q2 बीच में आ गया तो Q3 पर Q1 फोर्स लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा, तो Q2 के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q1 अपना काम बिल्कुल पहले की तरह ही करता रहेगा। ठीक है, बीच में हो, साइड में हो, कहीं भी हो, बाकी चार्जेस उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। अब देखो अगले पेज पे चलते हैं अपन। इसका यूज क्या होता है? जैसे देखो हमसे कहा जाए कि तीन आइडेंटिकल चार्जेस हैं और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स पे रखे, और इनके बीच की डिस्टेंस है L। तो मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Each of the कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच ऑफ द चार्जेस। चार्जेस को नेम दिया तो चलेगा क्या? क्या बेटे? हाँ चार्जेस को नेम दिया तो चलेगा क्या? ठीक जैसे ABC है मां, मान लो हमें ए पर फोर्स पता लगाना है, वॉन्ट टू कैलकुलेट फोर्स ऑन ए, तो क्या होगा? ए पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? बी और सी वाले लगाएंगे, है ना? तो देखो क्या होगा, अब वो किधर लगाएंगे, क्योंकि आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल ही कर रहे होंगे, तो बी जो ए पर लगाएगा वो BA लाइन के अलोंग लगाएगा और सी जो ए पर लगाएगा वो इस CA लाइन के, और ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और इधर वाला फोर्स भी आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब ये दो फोर्स हैं, इनको मुझे वेक्टोरली ऐड करना है। इन वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है बेटे? 60 डिग्री। तो क्योंकि बराबर मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं, रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में ही आएगा। इस डायरेक्शन में जो एंगल बाइसेक्टर है उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आना चाहिए। ये दोनों एंगल 30 30 डिग्री हो जाएंगे, तो एफ रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? एफ रिजल्टेंट आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर cos 30 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर cos। तो 2 KQ² / L² cos 30, ऐसा cos 30 को √3/2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3 KQ² / L², ऐसा रिजल्टेंट फोर्स इतना। ये बात समझ में आती है? यस सर।
तो है ना, बस हमें ये ध्यान रखना है ऐसा कोई ना कर दे कि भाई स्केलर के तरीके से ऐड कर दे कि के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर आया है, ये भी के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर आया है, तो टोटल फोर्स हो गया 2 KQ² / L² ऐसा नहीं करना, वेक्टर के तरीकों से ही ऐड करना। भले ही तुम ऐड करने के लिए फिर वो वेक्टर फॉर्म यूज मत करो, उसकी वेक्टर फॉर्म यूज करना जरूरी नहीं है, लेकिन वेक्टर एडिशन के लॉ लगाना। एवरी टाइम दे विल रिपेल, हाँ अगर आइडेंटिकल है तो हमेशा रिपेल करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आइडेंटिकल नहीं हुए, कोई एक नेगेटिव हो गया तो फिर अट्रैक्ट कर। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कुछ इस तरह की सिचुएशन, ये एक चार्ज है ओरिजिन पर रखा हुआ, यहाँ पर एक चार्ज 3,0 पर रखा हुआ, ये एक चार्ज है ये 0,2 पोजीशन पर, ये है 4 μ, इधर है -2 μ और यहाँ पर है 3 μ। ये वाला चार्ज रखा हुआ है एट द ओरिजिन, तो हमसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द। Calculate the resultant force on the charge placed at the origin. Origin में जो charge रखा हुआ है उस पर resultant force हमें calculate करना। अब देखो फिर से मान लो इसको अपन नाम दे देते हैं ए बी सी नाम दे देते हैं, तो देखो क्या होगा बच्चों, y एक्सिस पे जो चार्ज रखा हुआ है p, वो इस ओरिजिन पे रखे हुए चार्ज को अट्रैक्ट करेगा क्या? यस सर, क्योंकि p और a अपोजिट साइन पे, और जो x एक्सिस पे जो चार्ज रखा हुआ है c, वो क्या करेगा, a पर रखे हुए चार्ज को रिपेल करेगा। B वाले के मैग्नीट्यूड को F2 बोल देते हैं, और C वाले के मैग्नीट्यूड को F1 बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, F net on A, जो A पर जो फोर्स लग रहा है उसका अगर आपको मैग्नीट्यूड पता लगाना है तो वो तो बेसिकली अंडर रूट ऑफ F1² + F2² से आएंगे, क्योंकि 90° एंगल। अब F1 को क्या लिख सकते हैं, A mod Q1 mod Q2, डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर,
थ्री स्क्वायर से नाइन कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा एफ वन इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और एफ टू की अगर मैं बात करूं तो देखो मैग्नीट्यूड ही है, एफ टू इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, तो वो आ जाएगा 9 इंटू 10 इंटू क्यू वन क्यू टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। देखो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते समय चार्ज का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखना, डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर फिर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा कितना 18 इंटू 10 की पावर माइनस। तो अब F1 की वैल्यू इतनी आ गई है, F2 इतना आ गया है ना, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो फोर्स ऑन A का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटे, अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 10 की पावर माइनस 3 इधर आ जाएगा कितना बचेगा 144 प्लस 320 अंडर रूट ऑफ 460। ये बात समझ में आती है बच्चों? या देखो अगर ऑप्शंस में इस तरह से दिया जाए है ना, तो हम ऐसा भी लिख सकते थे कि फोर्स ऑन ए वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा, एफ वन लग रहा है माइनस आई कैप की तरफ, तो 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू माइनस आई कैप, और एफ टू लग रहा है जे कैप की तरफ, एफ टू लग रहा है किधर, जे कैप की तरफ, तो वो कितना आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जे कैप। ऐसा भी लिख सकते थे, इससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही एक साथ पता चलते, और देखते हैं। सर वो मैग्नीट्यूड का वापस समझाइए ना, कौन सा बेटा ये वाला डायरेक्शन? हाँ देखो जो F1 था वो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ था, तो उसके साथ माइनस आई कैप लगा दिया मैंने, ये F1 के साथ क्या लगा दिया माइनस आई कैप, और F2 किधर लग रहा है पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, तो उसके साथ क्या लगा दिया प्लस j कैप, तो F2 के साथ लगा दिया j कैप, F1 के साथ लगा दिया माइनस आई कैप, ऐड करके लिख दिया। ओके सर। हाँ बेटे। हाँ सर समझा। ओके अब देखो क्या है,
चलो हमसे कहा जाए भाई, एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की वर्टेक्स पे चार्जेस रखे हुए हैं, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस, ए बी सी डी, ये चार वर्टेक्स। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज एट पोजिशन। Calculate the magnitude of force experienced by the charge at position A. तो कैसे करेंगे भाई इसको, हम ए पर देख लो फोर्स कौन कौन लगाएगा, ठीक है, बी सी डी लगाएं, अब ए का चार्ज नेगेटिव है, बी का पॉजिटिव है, तो क्या होगा, बी जो है वो तो ए को अट्रैक्ट करे, बी का फोर्स तो इधर आ, डी का चार्ज पॉजिटिव है और ए का नेगेटिव है, तो डी भी ए को अट्रैक्ट करे, तो डी का फोर्स भी इस डायरेक्शन में, और सी और ए दोनों नेगेटिव, तो C will repel A. तो ये S. C जो होगा वो A को repel करेगा. इन forces को अगर नाम देना चाहो तो ये क्या है, force on A due to B. ये क्या है, force on A due to D. और ये क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी. अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना चाहते हैं अपन, तो मान लेते हैं कि ये स्क्वायर की साइड लेंथ एल है, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर. फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी का भी मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना है, तो वो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर. और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए ड्यू टू सी, तो वो हम कैसे लिखेंगे, देखो के क्यू स्क्वायर बाई, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, वो रूट टू एल है, तो रूट टू एल का होल स्क्वायर, यानी के क्यू स्क्वायर माइनस माइनस के क्यू ना. हाँ बेटे माइनस माइनस, पर वो दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के तरफ है ना, तो नेगेटिव साइन आएगा ना जब मल्टीप्लाई करेंगे तो. नहीं 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 ध्यान दो, ये अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिख रहे हैं ना, डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी एरो से बता दिया, ये अपन क्या लिख रहे हैं, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं. मैग्नीट्यूड लिखते समय कूलम लॉ में चार्जेस का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पुट करते हैं, ओके सर. देखो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो क्या है
आप वो वेक्टर फॉर्म यूज करो। वेक्टर फॉर्म में आपको खुद से डायरेक्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव है कैसे हैं, आप जैसे भी हैं उनकी वैल्यू पुट कर दो, अपने आप डायरेक्शन आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप स्केलर फॉर्म यूज कर लो फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए, और डायरेक्शन खुद से सोच के लिख दो, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट, नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्केलर फॉर्म यूज करके मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखा है, डायरेक्शन हमने सोच लिया साहब कि ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ए पर अट्रैक्टिव फोर्स बी की तरफ लगा दिया, ए और डी भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ए पर अट्रैक्टिव फोर्स डी की तरफ लगा दिया, और सी और ए एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे तो ए पर सी से रिपल्सिव फोर्स लगवा दिया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है साथ। तो हम क्या करें, पहले इन दोनों को ऐड कर लें, इसको और इसको, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इस डायगोनल के अलोंग आ जाएगा, मतलब जो सी ने जो फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा √2 KQ² / L² और जो सी ने ए पे लगाया वो कितना था, वो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में था, कितना था, KQ² / तो जो एफ नेट ऑन ए आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √2 KQ² / L² -KQ² / 12। तो ये आ जाएगा KQ² / L² √2 -1/12। ये बात समझ में आती है बच्चों? और देखो क्या, मान लो हमसे कहा जाए कुछ ऐसा क्वेश्चन कि एक ट्रायंगल है और इसके उस ट्रायंगल की वर्टाइसेस पर बराबर चार्जेस रखे हुए हैं, हमें पता लगाना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके सेंट्रॉइड, व्हाट चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द सेंट्रॉइड।
सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, so that all the charges remain in equilibrium. सेंट्रॉइड पे कितना चार्ज रखे हैं कि सारी चार्जेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में रहे। देखो अगर हम सेंट्रॉइड पे कोई चार्ज ना रखें तो क्या होगा? ये सारे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना, क्योंकि ये सारे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स सब पे ऐसे बाहर की तरफ आए। तो सब पे ऐसा रिजल्टेंट, ऐसा तो सबसे पहली बात ये हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि क्या सेंट्रोइड पे चार्ज कैसा रखे, पॉजिटिव रखे कि नेगेटिव रखे? नेगेटिव। नेगेटिव रखना, सेंट्रोइड पे चार्ज रखना पड़ेगा। वो कैसे रखना पड़ेगा बच्चों? नेगेटिव। तो कैपिटल क्यू रख देते हैं, लेट द चार्ज ऑन सेंट्रोइड बी कैपिटल। और ये हमें पता है कैपिटल क्यू मस्ट बी कैसा? नेगेटिव। अब देखो बिकॉज देयर इज अ सिमेट्री तो हम किसी भी एक चार्ज पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई करा दें। ए बी सी में से कोई भी एक चार्ज ले दो, जैसे ए ही ले लिया मैंने, तो बाकी सारों पर अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। अब ए पर फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इधर भी लग रहा है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, उसका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आएगा तो 30 डिग्री 30 डिग्री। तो ये जो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ए पर वो कितना लग रहा है? के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू इतना फोर्स इस पर लग रहा है। अब ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड इस कैपिटल क्यू के द्वारा लगाए गए फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाना चाहिए, तो उसको क्या लिखते हैं? के इंटू क्यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ये इस वाली डिस्टेंस का स्क्वायर सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की, है ना। अब ध्यान दो ये जो डिस्टेंस है ये एल बाय टू आएगी, ये एंगल 30 डिग्री है तो आप कॉस 30 डिग्री कंसिडर कर लो। इस डिस्टेंस को अगर मैं आर कहूँ तो कॉस 30 डिग्री बराबर होगा एल बाई टू डिवाइडेड बाई आर। कॉस 30 डिग्री होता है रूट थ्री बाई टू इक्वल टू एल बाई टू आर, उसे टू कैंसिल हो जाएगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी एल बाई।
सर आप म्यूट पे हो। हाँ बेटे, ये बात समझ में आई? कैपिटल यस सर। क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू बाई रूट। हाँ कुछ लोगों ने सही बताया था, बिल्कुल सही बताया था। डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइड 12/3 आएगा ना? नहीं 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 12/3 नहीं आएगा बेटे, 2/3 ऑफ √3L/2 है ना। अगर आपने वो मैथ्स के तरह से याद रख रखा है तो 2:1 के रेशियो में सेंट्रोइड डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है किसको? इस पूरे एल्टीट्यूड को। तो जो डिस्टेंस आती है वो आती है 2/3 ऑफ एल्टीट्यूड लेंथ, यानी कि √3L/2। ये वैल्यू L/√3 है आई। क्या बच्चों और देखो क्या है, मान लो हमसे कहा जाए कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है 4q, एक दूसरा पार्टिकल है जिसका चार्ज है q, और इनके बीच में डिस्टेंस है d। ये a है ये b, तो हमें पता लगाना है फाइंड द पोजिशन एंड द चार्ज ऑफ द थर्ड पार्टिकल। दैट मस्ट बी प्लेस्ड इन दिस रीजन। So that all the three charges remain in equilibrium. ताकि तीनों के तीनों चार्ज ही इक्विलिब्रियम में। देखो ट्राई करो इसको।
सर इक्विलिब्रियम में तीनों चार एटम्स का चार्ज सेम हो जाएगा या फिर जो है वो ही रहेगा? मतलब समझा नहीं मैं। सर आप बोल रहे ना कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा, जो जो नीचे के दो चार्ज है वो लोग का चार्ज वही रहेगा ना, जो गिवन है सिर्फ ऊपर वाले को ऐड करने से वो जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे रहेंगे। नहीं, ऐसे कैसे चेंज हो जाएगा यार? जिसका ए पे चार्ज 4q है तो 4q ही रहेगा ना, किसी दूसरे के आने से उसका चार्ज क्यों चेंज होगा? मेरे को खाली एक तीसरा पार्टिकल ला के रखना है यहाँ पे, है ना? अच्छा पहले तो देखो ऐसा करते हैं कि वो जो पार्टिकल को हम रखने वाले हैं उसके इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, ठीक है? मान लो वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। अच्छा अगर उसको लेफ्ट में रखूंगा इस वाले रीजन में, इस रीजन में, तो क्या वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है क्या? मान लो नहीं यहाँ पर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये दोनों ही उसको रिपेल करेंगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, तो ये केस तो हट ही गया हमारे पास, है ना? अगर मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया तो उस केस में दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तब भी इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये पूरा ही रीजन रिजेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट में तो इक्विलिब्रियम संभव ही नहीं, तो लेफ्ट में तो हटा दो। फिर बिल्कुल राइट में चले जाओ, इस वाले रीजन की बात करते हैं। यहां पर फिर से वही पॉजिटिव चार्ज लेके देखो तो दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो यहां भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखता तो दोनों उसको अट्रैक्ट करने लग जाते तो वो भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। इसका मतलब ये लेफ्ट वाला रीजन भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल। अच्छा इस लाइन के अलावा तो किसी और जगह पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है ही नहीं वैसे, है ना? रखना तो इसी लाइन पे पड़ेगा, तो बीच में रख सकते हैं, बीच में रख सकते हैं। बीच में अगर पॉजिटिव रखेंगे तो क्या होगा? 4q पॉजिटिव को रिपेल करेगा और q भी पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इक्विलिब्रियम आ सकता है। नेगेटिव रखे तो क्या हुआ? 4q नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और q भी नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव भी इक्विलिब्रियम में आ सकता है। यानी बीच में आप चाहे पॉजिटिव चार्ज रख लो चाहे नेगेटिव, दोनों इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम, हमें पता नहीं पॉजिटिव रखें या नेगेटिव, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई कैपिटल क्यू रखा है और 4q से x डिस्टेंस पे रखा, तो q से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? d माइनस x आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, 4q q का जो इन दोनों के फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर देते हैं, तो k इंटू 4q इंटू q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये 4q ने कैपिटल क्यू पे लगाया, और k इंटू q इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स का, तो k q q से k q q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 4 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस x का होल स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं 4d माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 टाइम्स d माइनस x इज इक्वल टू +-x। दो इक्वेशन बन जाएंगे, 2d माइनस 2x इज इक्वल टू x
या 2d माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस x, तो यहां से x मिलेगा 2d बाय 3 और यहां से x मिलेगा 2d, इसको तो रिजेक्ट कर दें क्योंकि 2d वाली जगह पे तो मैं जा ही नहीं सकता, यहां से 2d डिस्टेंस पे चला जाऊंगा तो इसका मतलब तो क्या हो गया, फिर से इस वाले रीजन में आ गया, यहां तो और यहां तो कोई सॉल्यूशन होना ही नहीं, तो ये हमारा आंसर। अच्छा देखो ध्यान दो, जब मिडल वाले चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात हमने करी तो क्या हुआ, मिडल वाले चार्ज के इक्विलिब्रियम की जब हमने बात करी तो वो मिडल वाला चार्ज कैंसिल हो गया, मतलब इस 2d by 3 पोजीशन पे आप कोई भी चार्ज लाके रख दो, जिस भी चार्ज को लाके रखोगे वो इक्विलिब्रियम में अपने आप आ जाएगा। लेकिन हमें साथ में क्या करना है, आसपास वाले चार्जेस का भी इक्विलिब्रियम बनाना है, तो उसके लिए अब हम अगला इसका सॉल्व करते हैं, कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो क्या है, ये 4q था, ये q था, 4q से 2d by 3 डिस्टेंस पर या q से d by 3 डिस्टेंस पर वो कैपिटल क्यू चार्ज को हमें। अब इससे कैपिटल क्यू का तो इक्विलिब्रियम हो गया, इसका तो काम हो गया भाई, इसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अब इसको ये जो क्यू है वो तो रिपेल कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि कैपिटल क्यू इसे अट्रैक्ट करे, सिमिलरली इस वाले स्मॉल क्यू को भी 4q रिपेल कर रहा है, तो इसको भी हम चाहेंगे कि कैपिटल क्यू क्या करे, अट्रैक्ट करे, मतलब कैपिटल क्यू इन दोनों पर अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स लगाना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चल गया कि कैपिटल क्यू कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना। फोर के ऊपर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देते हैं, किसी पे भी लगा दो कैपिटल क्यू की सेम वैल्यू आएगी, या तो 4q पे लगा दो या स्मॉल क्यू पर। तो 4q पर स्मॉल क्यू कितना फोर्स लगा रहा है, के 4q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4q और स्मॉल q के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी d स्क्वायर, और 4q पर ये कैपिटल Q कितना लगा रहा है, तो k 4q इंटू मॉड ऑफ कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 2d बाय 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 4k q square by d square equal to 4k q mod q divided by 4d square by 9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होता है, kq से kq कैंसिल हो जाएगा, d square से d square कैंसिल हो जाएगा, तो mod q की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4q by 9। अच्छा एक बच्चा पूछा सर ये नेगेटिव क्यों होना चाहिए, देखो नेगेटिव होगा तभी ये 4q और स्मॉल q को अट्रैक्ट करे, देखो मान लो आपने तीनों चार्ज पॉजिटिव रख दी, 4q पॉजिटिव था, स्मॉल q पॉजिटिव था और आपने कैपिटल क्यू को भी पॉजिटिव ही रख दिया, तो 4q पर स्मॉल क्यू फोर्स लगा रहा है ऐसे, और अगर ये भी पॉजिटिव हो गया तो ये भी ऐसे लगा देगा, तो फिर ये 4q इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा ना,
उसी तरह से 4q इस स्मॉल q पर फोर्स लगा रहा है ऐसे, कैपिटल q भी पॉजिटिव हुआ तो वो भी फोर्स लगा देगा ऐसे, तो फिर ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। इसलिए कैपिटल Q को क्या होना चाहिए, ऐसा केस हम नहीं ले सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू माइनस 4Q/9। लास्ट पेज देखना है क्या भाई, ये रहा लास्ट पेज, लास्ट पेज कुछ बच्चे देखने की बोल रहे हैं। ओके अच्छा देखो, मान लो ये कैपिटल और कैपिटल क्यू दो पॉजिटिव चार्जेस, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है, अब ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस मैंने क्या किया, एक एम मास और माइनस टू चार्ज का पार्टिकल पार्टिकल हैविंग मास m एंड चार्ज माइनस q इज प्लेस्ड ऑन द मिड पॉइंट। इफ द माइनस q चार्ज इज प्लेस्ड एट distance y, from the midpoint, of the line joining two capital Q charges along perpendicular bisector of that line, find the distance y at which minus q will experience maximum force.
दूसरा प्रूव दैट फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ y the charge minus q will perform simple harmonic motion. Prove that for very small value of y the charge minus q will perform simple harmonic motion. तो बेटे देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम. जब हम इस माइनस क्यू चार्ज को वाई डिस्टेंस पर लेकर के जाएंगे अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये दोनों जो कैपिटल क्यू हैं वो इस माइनस क्यू को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपनी अपनी तरफ फोर्स कर, और वो दोनों इंडिविजुअली बराबर बराबर मैग्नीट्यूड का ही फोर्स लगाएंगे. ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस a है, तो हाइपरटेनियस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहे हैं अपन, ध्यान दो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते समय चार्जेस का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काउंट होता है. तो के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई, ये एफ आ जाएगा और ये भी उतना ही एफ आएगा. इस एंगल को यदि थीटा मान लिया जाए तो जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, यानी 2f cos थीटा. f की वैल्यू लिख दें k q q अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और cos थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, y अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस k q q क्यों आया बेटे, k q 2 by a square by y square क्यों आया, बेटे ये जो डिस्टेंस है ये वाली, इन ये इतनी तो है
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर वो के क्यू टू पूछा मैंने, आपने क्यू टू लिखा है ना। क्या क्या बोल रहे हो बेटे? के क्यू टू सर, के क्यू क्यू पर हाँ क्यू टू वो लिखा है ना सर आपने, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर वो पूछा है। अरे यार फोर्स का यही तो फॉर्मूला होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। सर आपने वो क्यू स्मॉल क्यू लिखा या टू लिखा है वो समझ नहीं रहा है, इसके लिए मैंने पूछा आपको। ये क्वेश्चन में जाने दो सर, समझ गया समझ गया। तो देखो भाई पूरा एक्सप्रेशन अगले पेज पे ये क्या बन जाएगा, 2k q q y डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 बाय ऐसा एफ रिजल्टेंट। देखो वहां से अगर किसी को डायग्राम कुछ छोटा बन रहा था, यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं, ये क्यू क्यू था, यहाँ पर माइनस क्यू था और ये डिस्टेंस थी वाई, ये वाली डिस्टेंस थी ए, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कैपिटल क्यू इस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एफ फोर्स से, ये एंगल थीटा है। उसी तरह से राइट में जो कैपिटल क्यू है वो भी माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो भी एफ फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, यानी कि टू एफ कॉस थीटा। और एफ का क्या वैल्यू लिखूंगा मैं, के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इनके बीच की डिस्टेंस है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टू के क्यू क्यू वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर थ्री बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर वन है, ये स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर वन बाई टू है, तो 1 प्लस 1 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा, F resultant कितना है। अब इसको मैक्सिमाइज करने के फॉर मैक्सिमा ऑफ F resultant d by dy of F resultant को जीरो करते हैं तो क्या होगा, देखो ये 2k कैपिटल q स्मॉल q ये तो कांस्टेंट है, मुझे इसी का डिफरेंशिएशन को जीरो करना। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डेनोमिनेटर कोशेंट रूल लगा रहा हूं, डेनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो y का डिफरेंशिएशन 1 आ जाए, माइनस न्यूमरेटर into differentiation of denominator a square plus y square की power divided by denominator का square। हाँ बेटे बोलो सर, a square plus y square की power minus 3 by 2 रहेगी ना सर। हाँ बेटे a square plus y square की power minus 3 by 2 आएगी ना सर। नहीं नहीं minus 3 by 2 नहीं आएगा, plus 3 by 2 आएगा ना, क्योंकि डेनोमिनेटर में ही है ना हम कोशेंट रूल लगा रहे हैं ना बेटे। सॉरी सर, सॉरी यस सर, समझा। ठीक है तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका डिफरेंशिएशन लगाने के लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो ये होगा थ्री बाय टू
इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 -1। तो 3/2 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाएगा फिर से 2y। और ये जो डेनोमिनेटर है इसको तो RHS में ले जाओ तो ये 0 के बराबर ही आ जाएगा। अब देखो इनमें से हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले। सर ए स्क्वायर का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे ना, किसका बेटे, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो जाएगा ना, ए तो कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का 2y आया, तो वो 2y मैंने यहाँ पे लिखा। अब ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3/2 है, 3/2 में से 1/2 मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन में बाहर चला गया है, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 3y2, तो -3y ये बराबर होना चाहिए 0 के। अब देखो ये तो 0 हो नहीं सकता है, तो दूसरा वाला ब्रैकेट ही 0 होना चाहिए, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2y2 के बराबर होना चाहिए 0 के, यानी वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए स्क्वायर बाई 2 के, या हम लिख सकते हैं वाई बराबर होना चाहिए ए बाई 2। या वाई को प्लस माइनस ए बाई रूट 2 भी लिख सकते हो, ऊपर ए बाई रूट 2 डिस्टेंस पे जाओ या नीचे ए बाई रूट 2 डिस्टेंस पे जाओ, फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। ये बात क्लियर होती है बच्चों? यस सर। सर अगर हम लोग ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 कॉमन लेंगे तो उधर ब्रैकेट में क्यूब बचेगा ना? हाँ तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कॉमन तो लेना ही पड़ेगा ना भाई, वरना वाई की वैल्यू कैसे पता लगाओगे तुम? हाँ सर। अच्छा अच्छा तुम क्या बोल रहे हो, अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब बचेगा? नहीं सर समझा, वो क्यूब नहीं बचेगा। हाँ पावर में ऐड होता है ना, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 जो है इसको तुम ऐसे लिखोगे ना, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1+1/2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये 1/2 कॉमन चला गया, तो सिर्फ इतना ही बचेगा ना। ठीक है इसको हटाओ, अभी ऐसे समझाने के लिए लिखा। अगले पेज पे चलें, अगला पार्ट सॉल्व करें इसका, SHM वाला। यस सर। सर एरो और एक डाउट है सर, वो ए स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर किधर से लिखा था? ए स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर ब्रैकेट साइड किया। हाँ इसको सॉल्व किया ना हमने, देखो इस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y2, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y2 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2y2। अब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला तो 0 हो नहीं पाएगा, तो इसी को 0 करेंगे अपन। और ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2y2 ये तो लिखा हुआ है। यस सर। अब देखो इसका एक अगला पार्ट करते हैं, उसमें हमको बोलते हैं कि भाई हमने क्या किया, ये जो माइनस स्मॉल क्यू चार्ज था इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के अलोंग थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, वाई को बहुत कम रखा मैंने इन कंपैरिजन टू
डिस्टेंस ए। देखो फोर्स का जनरल एक्सप्रेशन मैंने पता किया था, ये जो माइनस क्यू चार्ज है इस पे फोर्स ऐसा नीचे की तरफ आता है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 2kqqy/a² + y² / 3/2 ऐसा होता है। अब हमें दिया हुआ है y इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू a, y इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू a, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2kqqy/a² + y² को मैं अप्रोक्सीमेटली a स्क्वायर ही लिख सकता हूँ क्योंकि y a के कंपैरिजन में बहुत छोटा, तो डेनोमिनेटर में जो a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ रहा है उसको अप्रोक्सीमेटली a स्क्वायर लिख दें, तो ये हो जाएगा a² / 3/2। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आ गया बेटे वो कितना आ गया, 2kqqy/a³, ऐसा रिजल्टेंट फोर्स आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना आ गया। और क्या वो रिजल्टेंट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है? देखो ये जो पोजीशन है इसको मैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकता हूँ। जब माइनस क्यू चार्ज को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा या नहीं? Yes, sir. और जब इस माइनस क्यू को नीचे लेकर के जाऊंगा तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ तो फोर्स लगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ तो फोर्स लगा ऊपर। आई वाज समझे? इसका मतलब फोर्स रिस्टोरिंग नेचर का है और जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यही तो होती है SHM की कंडीशन। SHM की कंडीशन क्या होती है? SHM की कंडीशन होती है पहली, फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? डायरेक्शन मस्ट बी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजिशन। ये दो कंडीशन होती है। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे? Yes, sir. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये SHM करेगा और ये जो पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है ना ये फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा। अगर आपको टाइम पीरियड पता लगाना है तो आप लिख सकते हो टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√m/ ये पूरी वैल्यू 2kqq/a, ऐसा टाइम पीरियड। सर यहाँ पे mg नहीं कंसीडर करेंगे? mg नहीं कंसीडर कर रहे हैं हम, है ना? इसको तो हम ग्रेविटी फ्री स्पेस मान सकते हैं। ओके सर।
सर अभी 11:25 का दूसरा क्लास है हम लोग का। ठीक है ठीक है ठीक है बेटे। हाँ या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक बच्चे ने जैसा कहा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो किस में रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है बच्चों, फिर बाकी हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ नोट्स में भेज रहा हूँ सर। हाँ इस वाले ग्रुप में आपका नाम GRC है क्या? हाँ 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 ओके। देखो बेटे नोट्स भेजा है मैंने, है ना, आप लोग चेक कर लो। ओके बच्चों, बाय, ऑल द बेस्ट, अगली क्लास में मिलते हैं। I said thank you.